नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबको बताऊंगा पीसी या लैपटॉप को की स्पीड को कैसे हम फास्ट करते हैं और क्या क्या ऐसी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पीसी की स्पीड को स्लो कर देते हैं और कैसे इसका सुधार करेंगे, कैसे स्पीड को फास्ट करेंगे, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर जो आप दोस्तों आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, बताते हैं कि कैसे स्पीड को फास्ट करते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर जो हमारे पीसी का स्पीड बहुत स्लो है तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब इसमें जो है मेरा कुछ सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे टेम्परेरी फाइल में इंस्टॉल हो जाते हैं, सब ऐड हो जाता है, तो इसको जो हम रिमूव करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज टेम्प और उसके बाद फिर परसेंटेज, यहाँ पे देखिए टेम्प फोल्डर जो है आ जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा टेम्प फाइल जो है इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कितना जो है इसमें इसका डेटा कवर किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एमबी में भग रहा है दोस्तों। अभी देखते हैं कि इसका फाइनल जो है कितना स्पीड जो है कितना डेटा जो है ये इसमें टेम्परेरी फाइल में जो है फोल्डर में स्टोर है दोस्तों। ये सर्च कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस टेम्परेरी फाइल को जो है हम फिनिश कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जो है ये स्पीड जो है कैसे, फिर इसके बाद स्पीड को जो है ये अगर जो टेम्परेरी फाइल को जो हम सब उड़ा देते हैं तो इसे जो है काफ़ी हद तक जो है स्पीड स्लो हो जा फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 780 MB जो है ये टेम्परेरी फाइल में जो है कवर किया है। तो दोस्तों इसको जो है हम चाहे तो इसको उड़ा सकते हैं इसको, और अगर जो आप यहां से नहीं जा पा रहे हैं तो दोस्तों आप यहां से जो है यहां पे टेम्प जो है ऐड ऐप डाटा जो है यहां पे होता है, अगर जो आपको शो नहीं हो रहा है ऐप डाटा तो आप दोस्तों यहां से व्यू में क्लिक करके और यहाँ पर जो है ये हिडन आइटम जो है यहाँ आप देखिए टिक कर देंगे, अनटिक कर दिए तो ये ऐप डाटा जो है गायब हो गया। फिर दोस्तों अगर जो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं हिडन पर जो है तो यहाँ पे जो है ऐप डाटा जो है मेरा तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। तो इसको हम सिंपली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जहाँ भी हमें टेम्परेरी टेम्प फाइल जो है मिले ही उसको हम खो, देखिए यहाँ पर टेम्परेरी फाइल जो है टेम्प नाम से फोल्डर है, ये सब फाइल है जो है यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर भी हो गया टेम्परेरी फाइल, और भी देखते हैं यहाँ पे लोकल में देख लेते हैं आप, यहाँ पे भी कोई टेम्परेरी फाइल है लेकिन बहुत ज़्यादा वो माइक्रोसॉफ्ट का है तो इसको नहीं करना है। यहाँ पे रोमिंग का जो होता है यहाँ पे भी हम देखते हैं टेम्परेरी फाइल कोई है कि नहीं है, खासकर दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है, ये जो है लोकल में ही मेरे लोकल के टेम्परेरी फाइल में जो है ये स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम देखिए हमारा बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर इंस्टॉल रहता है तो यहाँ पर जो है टेम्परेरी फाइल में जो है ये हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से जो है हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद मान लीजिए रिसाइकल बिन में जो कुछ भी मेरे फाइल जो है इसको रिसाइकल बिन में अगर जो कोई कुछ है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली सा जो है राइट क्लिक है एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए विंडोज 7 हुआ या विंडोज 10 हुआ इसके अपडेट को हम रोकते हैं कि इसको जो है अपडेट जो है जब हम चाहें तो तब ये अपडेट हो। उसके बाद जो है हम यहाँ दोस्तों फाइनली बताते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क मैनेजर में यहाँ पे जो सर्विसेज है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन सर्विसेज, ओपन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो है
विंडोज़ अपडेट है, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को जो है रन कर रहा है, मैं मैनुअल किया हुआ हूँ तो मेरा जो है उस तरीके का अपडेट नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ऑटोमेटिक होगा, ये देख सकते हैं आपका डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक रहेगा मान लीजिए, तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। तो आप डिसेबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा दोस्तों। एक चीज़ और है, अगर जो ऑटो विंडोज़ 10 में जो है ऑटोमेटिक अपडेट को जो है हम यदि नहीं रोक पाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो है यदि हम किसी वाईफाई से पीसी को कनेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे जो है हम इसके सेटिंग में जाएंगे। तो दोस्तों अगर जो किसी भी वाईफाई से आप कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे जो है आप सेट मीटर्ड जो है कनेक्शन को ऑन कर देंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं उठाएगा, आपका डाटा भी बचा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको सेट मीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक हम जो है इसको ऑफ कर दिए, इसको हम भी ऑन रखते हैं इसको। तो दोस्तों आप इसको कर देंगे तो डेटा जो है ये हमारा बचा रहेगा, ये फालतू में जो है अपडेट नहीं होगा। तो दोस्तों और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, उसके बाद जो है जब पीसी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा जो है स्टार्टअप में मेरा प्रोग्राम जो है रन करने लगता है, तो उसको जो है हम अपने अनुसार जो है उसको डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा मैनुअल प्रोग्राम जो है यहाँ पे भी जो कुछ भी इनेबल है, तो ये देखिए नॉट मेजर, मीडियम मेजर, जो कुछ भी जैसे मान लीजिए मीडियम मेजर है, इनेबल है, इसको जो है हम डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए बहुत सारा प्रोग्राम जो है ये इनेबल है, मीडियम है, ये आप देख सकते हैं गूगल क्रोम जो है ये इनेबल, इसका जो है स्टार्टअप इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे इसका हाई मीडियम से ये पता चलता है कि मेरा कौन सा ऐप जो है बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, जो स्टार्टअप को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको जो है जो हम स्टार्टअप को जो है यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम है जो इसको हम बहुत सारे प्रोग्राम को भी हम डिसेबल कर दिए हैं, तो यहाँ पे जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो है हम पीसी के स्पीड को बहुत अच्छा फास्ट कर सकते हैं, बहुत कई गुना फास्ट कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाता है दोस्तों। और इसको मान लीजिए बार बार जो है हम इसको करते रहते हैं, 10-15 दिन में, महीना भर में एक बार जो है इसके स्पीड को जो है हम जब हमको लगेगा कि हमारा स्पीड बहुत स्लो हो जा रहा है तो दोस्तों इसको जो है हम ये जो काम कर लेते हैं। तो दोस्तों और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आप यहाँ पे जो है बहुत सारे फोल्डर्स फाइल्स यहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम डिस्क को भी क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का जो है हम अपने स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जो कोई हमारे जैसे मतलब इंटरनेट में कोई स्लो चल रहा है या मतलब उसको, तो उसके जो DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS को जो है उसको हम रिस्टोर कर देते हैं। इसके लिए जो है एक फ़ाइल आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है IP config plus DNS IP config release IP config renew। तो दोस्तों इसको नोटपैड में सेव करके हम जो है इसको .bat फाइल से स्टोर सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं सेव कर लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये .bat जो है नोटपैड में जो है इसको हम सेव कर लिए हैं और इसको .bat एक्सटेंशन से सेव कर लिए हैं। तो इसको रन एज एडमिनिस्टर अब यदि हम कर देंगे तो दोस्तों जो है ये हमारा जो है DNS जो है फ्लश हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, या तो कोई दिक्कत होगा तो सही हो जाएगा। और दोस्तों और स्पीड को फास्ट करने के लिए मान लीजिए कहीं फाइल को करप्ट हो गया है, रिपेयर करना है, तो दोस्तों सिंपल सा जो है हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं CMD, इसको जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे सिंपल सा करना है CHKDSK टाइप कर देना है, तो यह इंटर मार देना है। तो दोस्तों जो है जो कुछ भी यहाँ पे जो है PC में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो विंडोज़ डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो दोस्तों ये जो है सिस्टम जो है इसको चेक करने लगता है, सारे जितने भी ड्राइव हैं सबको चेक करता है, फाइल को चेक करता है, ग्रुपिंग करता है सबका। तो दोस्तों देखिए मेरा जो है ये चेक हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो है हम इसको कर देते हैं तो हमारा PC जो है बहुत फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का जो है हम अपने PC को जो है फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है
और अगर जो दोस्तों आप सब हमारे अभी YouTube चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम वीडियो अगले वीडियो के लिए जो है हम रुकते हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम जो है नए टेक्निकल वीडियो के साथ आएंगे, इसी संबंधी कोई भी संबंधी टेक्निकल वीडियो। तो दोस्तों तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।